नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम की जानकारी दूंगा। जितना सुंदर इस आश्रम का नाम है, उससे कहीं ज़्यादा ये सुंदर आश्रम है। इस आश्रम का नाम प्रेम नगर आश्रम है, जो कि अपनी अच्छी सुविधाओं के लिए पूरे हरिद्वार में प्रसिद्ध है। इस आश्रम में श्रद्धालुओं के रहने के लिए कई तरह के कमरे उपलब्ध हैं, जिनका प्राइस भी काफ़ी कम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस आश्रम से जुड़ी हुई सभी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने अगर ये वीडियो देखी तो आप एक बार ज़रूर इस आश्रम में आना चाहेंगे। वीडियो बड़ी होने का कारण भी है, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अच्छे कमरे, सुंदर और स्वच्छ गंगा घाट, ध्यान और योग के लिए सुंदर हॉल, सत्संग भवन, सुंदर मंदिर, यहाँ पर बना गोवर्धन हॉल जो कि इतना बड़ा है कि शायद ही किसी ने देखा हो। गोवर्धन हॉल में बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी पिलर नहीं है। इस आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा शौचालय भी है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आप हरिद्वार आएंगे तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, जहां आप आराम से कुछ दिन रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश में मिलने वाली सुविधाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं। ये है आश्रम का गेट, यहाँ से होती है श्रद्धालुओं की एंट्री। हालांकि बगल में कई और भी गेट हैं, तो चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं। जैसे ही आप आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे, सुंदर और स्वच्छ दृश्य आपको दिखने लगेंगे। आश्रम बहुत बड़ा है, फिर भी पूरी तरह से सफाई का इसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ दाहिनी ओर आपको एक हॉल दिख रहा होगा, यही है गोवर्धन हॉल, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस आश्रम की नींव किसने रखी थी, कब रखी थी, इस आश्रम का नाम प्रेम नगर क्यों है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, श्री हंस जी महाराज जी थे जो हरिद्वार में रहते थे। एक दिन उन्होंने इस स्थान पर एक गड्ढे में पड़े जल को सांप और नेवले को एक साथ पीते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि इस जगह पर जरूर कोई अच्छी बात है। तो महाराज जी ने 1942 में इस आश्रम की नींव रखी और आश्रम का नाम प्रेमनगर आश्रम नाम रखा, और धीरे धीरे करके ये आश्रम बड़ा होता गया। दोस्तों, फिलहाल इस आश्रम की जो देख रेख है वो सतपाल जी महाराज के संरक्षण में होती है। सतपाल जी महाराज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं और श्री हंस जी महाराज के बेटे हैं। दोस्तों, आश्रम को देखने की जो शुरुआत है, सबसे पहले यहाँ बने मंदिर से करते हैं, जिसे श्री हंस तीर्थ नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। यह स्थान ध्यान और तपस्या करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने का समय अलग है, और उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोग ध्यान और तप करते हैं तो यहाँ पर आराम से बैठकर ध्यान और तप लगाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो को तैयार करने में बहुत समय लगता है और बहुत सारी मेहनत लगती है, तो शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मंदिर को देखने के बाद अब बात करते हैं रूम की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रूम है वो तीन कैटेगरी के रूम हैं।
एक कम प्राइस के, एक मीडियम प्राइस के, एक अपर प्राइस के हैं थोड़े से ज़्यादा प्राइस में। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार, आपका जैसा बजट है, आपकी जैसी ज़रूरत है, उस अनुसार यहाँ पर रूम ले सकते हैं और कुछ दिन अपना रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर मीडियम क्लास के रूम हैं, जिनका जो प्राइस है वो मीडियम में है, और ज़्यादातर लोग मीडियम प्राइस के ही रूम लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर सबको ध्यान में रखते हुए रूम बनाए गए हैं ताकि हर तरह का जो आदमी है वो यहाँ पर आकर रह सके। तो सबसे पहले आप जो मीडियम क्लास के रूम हैं उसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये है उसकी बिल्डिंग जो कि बिल्कुल ऑफिस के पास है। ये है रूम नंबर 105 जो कि एक मीडियम क्लास का रूम है। यहाँ पर आपको दो सिंगल बेड आपको दिख रहे होंगे। सभी रूम का साइज यहाँ पर बड़ा है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको हर रूम में बालकनी की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर एक आपको कूलर की सुविधा मिलेगी, एक पंखा होगा। और ये है वॉशरूम और इस रूम का जो प्राइस है वो लगभग 400-500 रुपये के आसपास है, तो बहुत ही सही रेट है। और एक ये है, अगर बड़ी फैमिली है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसमें दो रूम हैं, इसमें 4 सिंगल बेड आपको मिलेंगे। अगर आपके साथ 5-6 लोग हैं तो आप यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं और इसका प्राइस भी काफ़ी सही है, लगभग 700 रुपए के आसपास है। और यहाँ पर कूलर, फैन दोनों कमरे में अलग अलग अलमीरा मिलेगी। और ये है यहाँ का वॉशरूम। और यहाँ पर जो वॉशरूम है इसमें गीजर की सुविधा आपको मिलेगी। और यहाँ पर है सुंदर सी एक बालकनी जहाँ पर आपको आश्रम के बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि आश्रम इतना सुंदर है तो देखना ज़रूर आप लोग चाहेंगे। और यहाँ बालकनी में आप बैठ सकते हैं और यहाँ के जो आसपास के दृश्य हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर माँ राज राजेश्वरी दीप करके एक बिल्डिंग बनाई गई है जो कि जिनका प्राइस कम है और जिनका बजट कम है वो इन रूम पे रुक सकते हैं। इस आश्रम में सभी को ध्यान में रखते हुए रूम बनाए गए हैं ताकि नॉर्मल आदमी से लेकर जिसके पास बजट कम है वो भी यहाँ रुक सके, जिसका बजट ज़्यादा है वो भी रुक सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फोल्डिंग पलंग पड़े हुए हैं और इस रूम में भी बालकनी है, वॉशरूम आपने देख लिया होगा। इस रूम का जो प्राइस है वो 300 रुपये है जो कि काफ़ी सही प्राइस है। और अब बात करते हैं जो यहाँ पर अपर क्लास के रूम हैं, जहाँ पर सुंदर एक तरफ गार्डन है तो दूसरी तरफ मार्केट है, तो दोनों तरफ के व्यू देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं जो यहाँ पर जो सबसे अच्छे कह सकते हैं जो रूम यहाँ पर हैं तो उनको भी देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से होकर जो अपर क्लास के रूम हैं वहाँ का रास्ता है तो देख सकते हैं। फिलहाल कोविड की वजह से ये सब खाली है, तो ये मत सोचे कि यहाँ पर कोई नहीं है, स्टाफ नहीं है। यहाँ पर कोरोना की वजह से अभी जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। और इसका उद्घाटन 2016 में हुआ था और यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी है। तो अभी हम प्रथम तल पर आ चुके हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ A1 से लेके A12 तक यहाँ पर रूम है, तो इनमें से किसी एक रूम को हम देखेंगे और देखेंगे अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं। और ये बिल्डिंग जो है काफ़ी नई है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर A12 करके एक रूम है तो इसके अंदर चलते हैं। ये जो रूम का साइज है यही काफ़ी बड़ा है और कूलर आपको दिख रहा होगा जो कि बाहर रखा हुआ है विंडो के पास, और यहाँ पर फैन है। और रूम बहुत ही नया है, नीचे आपको मैट भी इसमें बिछी हुई है। तो यहाँ पर 2 सिंगल बेड हैं, अगर आपके साथ 3 लोग हैं तो आराम से यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ पर है इसका वॉशरूम जो कि काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम में आपने देखा होगा आपको यहाँ पर गीजर की सुविधा आपको मिल रही है
और अब चलेंगे जो इस रूम के सबसे खास बात है, वो है यहाँ पर आपको बालकनी मिलेगी और ये है बहुत ही सुंदर दृश्य, जो कि कह सकते हैं कि प्रेमनगर आश्रम के सबसे अच्छे व्यू। यहाँ पर पार्क है, गार्डन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस रूम का जो प्राइस है वो लगभग 500-600 रुपए के आसपास है, तो इस प्राइस में इतना अच्छा रूम मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रेमनगर आश्रम के जो गंगा घाट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ यहाँ पर गंगा जी का घाट है, तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगा और वहाँ पर गंगा जी के दर्शन करेंगे। प्रेमनगर आश्रम जो है ये बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है, इसके अंदर कई गार्डन आपको मिलेंगे। उसके साथ अभी हम वो भी देखने वाले हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक एक कह सकते हैं एक डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर दो डॉक्टर बैठते हैं और आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा। लेकिन इससे पहले घाट तक पहुँचे, घाट के रास्ते में एक बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ और उसके बाद घाट पर ले चलूँगा। तो यहाँ पर एक ब्रश आपको दिख रहा होगा और इस स्थान का जो नाम है वो पंच पल्लव है। इस स्थान का नाम है पंच पल्लव, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्थान है। इस वृक्ष की परिक्रमा करना काफ़ी शुभ माना जाता है और ये बहुत ही मेन स्थान है, तो यहाँ पर आप पंच पल्लव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इस आश्रम के एक और मुख्य स्थान पर, जो कि है यहाँ पर गंगा घाट है। तो सबसे पहले माँ गंगे के दर्शन करेंगे और इस सुंदर घाट को देखने वाले हैं। तो आश्रम के अंदर से ही ये गेट लगा हुआ है, जैसे ही गेट से बाहर आप निकलेंगे आप गंगा घाट में पहुँच चुके होंगे और यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। और अब हम गेट से बाहर निकल चुके हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक गंगा जी का घाट है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद आश्रम में दर्शन करते हैं। तो देख सकते हैं कितना स्वच्छ और सुंदर घाट है। दोस्तों कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। दोस्तों घाट के दर्शन करने के बाद इसी गेट से आप अंदर आश्रम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती इस वजह से मैंने घाट को पूरी तरह से नहीं दिखाया है और फिर कभी अलग से इस घाट की पूरी वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों अब चलते हैं जो इस आश्रम में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही बड़ा एक हॉल है जिसका नाम गोवर्धन हॉल है, तो इसको भी देखेंगे। दोस्तों आज तक इतना बड़ा हॉल मैंने नहीं देखा है। इस हॉल की सबसे जो अनोखी बात वो ये है कि इसमें बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है और आप ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठकर सत्संग और जो भी भागवत यहाँ होती है उसको सुनते हैं। और देख सकते हैं बीच में आपको एक भी पिलर या एक भी सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा और यही इस हॉल की सबसे अनोखी बात है, जो कि अपने आप को दूसरे हॉल से अलग बनाती है। तो इसको देख सकते हैं और उसके बाद हम चलेंगे जो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शौचालय बना हुआ है। एक स्थान पर इतने ज़्यादा शौचालय मैंने अभी तक कभी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, तो हॉल देखने के बाद उस शौचालय को भी देखेंगे चल के। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये है विश्व विशालतम शौचालय, तो यहाँ पर लिखा भी है और इसमें ये 4 मंजिल बिल्डिंग है और इसमें पूरे में शौचालय ही बनाए गए हैं, क्योंकि प्रेमनगर आश्रम में एक मेला लगता है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ये शौचालय बनाया गया है ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अब हम शौचालय के अंदर पहुँच चुके हैं, अब मैं आपको पूरे शौचालय तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये 4 मंजिल है
और चारों मंजिल में एक ही जैसे शौचालय बनाए गए हैं लाइन से, तो और तीन पार्ट हैं इसके, तो सबको दिखा पाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर 650 के आसपास शौचालय एक ही जगह पर बनाए गए हैं, जो अपने आप को दूसरे शौचालय से अलग बनाती है और उसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा शौचालय इसी वजह से इसे कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे भी शेयर करते रहें ताकि इस आश्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ताकि हरिद्वार वो कभी आएँ तो यहाँ पर आराम से रुक सकें, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है और उसके साथ साथ सुविधाएँ ज़्यादा हैं। और ये आश्रम खुद में एक देखने के लिए इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर आप बहुत से स्थान को देख सकते हैं। दोस्तों इस आश्रम में संत आवास भी है जहाँ पर संत लोग रहते हैं। जो भी इस आश्रम में संत रहते हैं उनके रहने के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है जो आप देख सकते हैं। और चलते हैं इसके अंदर और एक झलक यहाँ की भी देखते हैं। तो देख सकते हैं जो संत आवास है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। दोस्तों इस आश्रम में आपको भोजनालय की भी सुविधा मिलेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर कैंटीन भी है, तो अगर आप कैंटीन में खाना चाहें तो वहाँ भी खा सकते हैं। भोजनालय भी है और उसके साथ साथ अगर आप बाहर खाना चाहेंगे तो इस आश्रम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, तो आप जहाँ भी सही समझें वहाँ पर खा सकते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पर मानसरोवर एक हॉल है जहाँ पर सत्संग और भागवत समय समय पर होती रहती है, तो उस हॉल को भी देखेंगे। जो यहाँ पर मेन मंदिर है मुख्य जहाँ पर दर्शन होते हैं उसी के जस्ट सामने ये आप देख सकते हैं, ये है मानसरोवर हॉल जहाँ पर सत्संग और भागवत होती रहती है। तो एक झलक यहाँ भी आप देख सकते हैं। वैसे तो इस आश्रम में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन एक वीडियो में पूरा आश्रम सही से दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थान है वो दिखाए जाएँ। और अब हम पहुँच चुके हैं जो इस आश्रम का एक और मुख्य स्थान है, वो है यहाँ की जो आयुर्वेदिक कह सकते हैं एक अस्पताल है जहाँ दो डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कह सकते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के यहाँ पर जड़ी बूटियों की औषधि मिलती हैं, तो इसके अंदर भी चलेंगे और ये देख सकते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपको आश्रम में रहते हुए किसी भी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस आश्रम में परमानेंट रहते हैं, बहुत समय से रहते हैं, तो उनको ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस आश्रम तक कैसे पहुँचे, तो मैं आपको बता दूँ ये आश्रम जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास है। अगर बात करें बस स्टेशन से तो भी उतना ही होगा क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन आमने सामने हैं। ये जो आश्रम है ये हरिद्वार के सबसे मेन स्थान रानीपुर में पड़ता है। रानीपुर के पास चंद्रचार चौराहा है, उसी चौराहे के बिल्कुल पास में ये आश्रम है। अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही आप रोड पर आएंगे तो वहाँ पर आपको राइट हैंड पर मुड़ना पड़ेगा। वहाँ से आपको आसानी से ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो, विक्रम सभी कुछ मिल जाएगा और लगभग 10 मिनट में आपको इस आश्रम तक छोड़ देगा। आपको स्टेशन से बाहर निकलने के बाद दाहिने मुड़ना है, ये ध्यान रखना है। अगर बाएं मुड़ते हैं तो आप हर की पौड़ी की ओर जाएंगे, दाहिने मुड़ेंगे और वहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर जैसे ही चलेंगे तो लेफ्ट हैंड में ये आश्रम पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस आश्रम में आने से पहले अपने रूम की जो बुकिंग है उसको कंफर्म कर ले, तो मैं इस आश्रम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, इनको कॉल करके अपनी बुकिंग जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। और भी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर करें। अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।